छोले चावल मटर पनीर कढ़ी हलवा और गर्मा गर्म पूड़ी। खाने का ये मेन्यू सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इस खाने को अगर आप किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में खाएं तो अच्छा खासा बिल आएगा। दिल्ली के प्रवीण गोयल पिछले कुछ सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। वो रोजाना करीब 1000 लोगों को 1 रुपए में ही भर पेट खाना खिलाते हैं। का नांगलोई इलाका है और हम मौजूद हैं नांगलोई इलाके की भूतों वाली गली में। इसका नाम भूतों वाली गली इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भूत प्रेत का चक्कर है, बल्कि बहुत पहले यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी जिनमें लोग दिन रात काम करते थे, रात में भी काम करते थे, इसलिए इस जगह का नाम भूतों वाली गली पड़ गया। लेकिन इस भूतों वाली गली में कोई इंसान है तो यहाँ पर हजारों गरीबों के लिए किसी मसीहा किसी भगवान से कम नहीं है। हम लेकर आए हैं आज आपको श्री श्याम रसोई में, जहाँ पर मिलती है 1 रुपए में थाली भर पेट वाली। मेरा नाम प्रवीण कुमार गोयल, मैं नांगलोई निवासी हूँ और ये श्याम रसोई लगभग 3.5 साल के आसपास हो चुकी है चलती हुई। यहाँ दूर दूर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, भर पेट खाए यही व्यवस्था है। 1 रुपया मैं इसलिए लेता हूँ किसी के मान सम्मान में ठेस ना पहुँचे। जुनून है, एक जुनून होता है आदमी के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं चाहता हूँ अपना जो जीवन है ये धर्म के काम में लगाया जाए, जरूरतमंदों के लिए लगाया जाए, क्योंकि एक्चुअली मेरे बच्चे एक सीए है और बच्चा सीएस की तैयारी कर रहा है, 2 बच्चे मेरे सर्विस में, चारों बच्चे कर रहे हैं, तो मेरे को भगवान की दया से मौज है मेरे पास, घर का खर्चा मेरा फसला मेरे बच्चे निकाल रहे हैं। ये प्रवीण की औकात नहीं है किसी एक आदमी को खाना खिला दे, ये सभी दान से चल रही है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, श्री श्याम रसोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से रसोई चल रही है। और ये नहीं है ये किसी का जन्मदिन है, सालगिरह है, पुण्यतिथि है, तो सभी लोग यहाँ आते हैं और सभी लोग दान दे जाते हैं, तो उसी से रसोई चल रही है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ और मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, बट मुझे ना एकदम से एक रैंडमली एक न्यूज पर पता चली कि 1 रुपए में थाली है। मैंने सोचा कि 1 रुपए में आज के टाइम पे कौन खिलाता है, तो मैं शॉक्ड हो गई। मैं इसके बारे में और पढ़ने लगी तो मुझे यहाँ पर मिला कि 1 रुपए में नांगलोई में खिलाया जा रहा है भरपेट खाना। तो मैंने सोचा कि ऐसा काम तो आजकल बहुत ही कम लोग करते हैं कि काम खाना भी खिला रहे हैं, साथ में आप अपना मतलब सबको खुश भी कर रहे हैं। मेरा नाम जी रवि है, मैं पहले लगा था MCD में काम करता था, कूड़ा फूड़ा का ये काम था। अभी है जी किसी का काम मान लो कि मोहरी रुक गई है, जैसे होदी रुक गई है, जब बेलदारी है या किसी का सामान लोड करना उतारना, ये काम है जी मेरा। खाने में जी पूरी चावल हलवा पनीर दाल छोले चावल सब्जी मतलब बढ़िया। मुझे खुशी है कि यहाँ पे हजारों आदमी खाना खाने आते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा जो लोग आते हैं और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। कोई राशन ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कोई बॉम्बे से भेज रहा है, कोई अहमदाबाद से भेज रहा है, सभी जगह से मेरे पास राशन आ रहा है, मैं सभी का धन्यवाद। इसकी 365 दिन में 365 दिन होते हैं, कोई छुट्टी नहीं है, ना होली की ना दिवाली की ना दशहरे की, कोई छुट्टी नहीं करते जी हम लोग। अगर छुट्टी कर लेंगे तो जरूरतमंद जो लोग हैं वो खाना कहाँ खाएंगे, हमने उनको भी देखना है। जो ये जिंदगी मिली है, बार बार नहीं जीवन मिलना, जीवन एक बार मिला है। और कोरोना के अंदर हम लोगों ने जो सेवा थी, कोरोना पेशेंटों के घरों में हमने खाना भेजा है और मैं वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जब वो अच्छे कंडीशन में आए
आज वो हर महीने राशन भेज रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करूँगा। कोरोना के अंदर 100 से 150 आदमी के घर जो कोरोना पेशेंट थे उनके लिए पहुँचाया, बाकी अदरवाइज जो रोडों पे लोग सोए होते थे उनके लिए गाड़ी जाती थी और वो पैकेट देती हुई निकल जाती थी। उस टाइम 500-700 आदमी जो सड़कों में सोए हुए थे या पुल के नीचे थे या जमुना वाले पुल पे थे, सभी जगह हमारा प्रसाद जाता है। सबसे पहले सवेरे वृद्ध आश्रम कोड़ियों के आश्रम में प्रसाद जाता है, उसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर खाना खिलाते हैं। लगभग सभी लगा लो 1000 आदमी का लगभग खाना बनता है यहाँ पे, 1100 आदमी का। तो इसके अंदर वृद्धाश्रम भी आ गया, यहाँ खाने वाले भी आ गए, सभी आ देखिए दुनिया वाले हैं, हर तरह की दुनिया है, हर बंदा खुश नहीं कर सकता। मेरे को तो परमात्मा ने मेरा साथ दिया है, सभी राशन भेज रहे हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा आज तक। और मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, जैसे साथ मेरे को मिल रहा है लोगों का, तो मैं सभी से कहूंगा अपने अपने गांव में अपने अपने शहर में आप लोग भी शुरू करें। शुरू में कठिनाइयां आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सब परेशानियां हल हो जाएंगी। आप बिल्कुल बेचिंत रहें, आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपके सब दुनिया साथ देगी। एक ऐड आती थी ना, पहले देखें फिर विश्वास करें, इस तरीके से लोग आते हैं, सबको पता है कि शाम रसोई में खाना मिलना मिल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं यार तू 11 बजे चालू कर देता है, 10 बजे चालू कर देता है, अरे भाई कहीं उन्होंने रात को खाना नहीं खाया तो वो आके यहाँ खाना खा लेते हैं, इसलिए मैं 11 बजे चालू कर लेता हूँ। 11 से 1 बज जाए 1:30 बज जाए वो प्रभु इच्छा है, 2 भी बज जाए वो प्रभु के ऊपर है। जो खाना बचता है बाकी का बचा हुआ वो यहाँ पे साईं मंदिर है आगे, तो वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं, गाड़ियाँ ले जाती हैं, वहाँ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम बांट जाते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर ईश्वर की संतान इंसान को खुश कर दिया तो ईश्वर अपने आप खुश हो जाएगा। दान पुण्य करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रवीण गोयल ने गरीबों का पेट भरने का रास्ता चुना। वो चाहते हैं कि ये मिशन हर गांव, हर शहर तक पहुंचे ताकि कोई भी गरीब कम से कम भूखा ना सोए।